इस रामायण के इस श्रृंखला में आज का पहला सत्र है। साधारणतः जब भी पहला दिन होता है, जैसे आप सभी ने अनुभव किया रहेगा, जब पाठशाला में पहला दिन रहते हैं तो ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है ना, थोड़ी खेल कूद होती है, मौज मस्ती होती है, पहला दिन होता है। लेकिन यही चीज बड़े होकर भी यही चीज होती है। बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और काफी कोर्सेस होते हैं। आप देखते हैं पहले दिन भी वही होता है, फक्त बोलने का ढंग अलग रहता है। उस भाषा में बोला जाता है आइस ब्रेकर। पहले दिन थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, थोड़ा सा खेल होता है, तो उस भाषा में उस आइस ब्रेकर कहा जाता है कि पहला दिन है, लोगों को अपनापन लगे वो हिसाब से। तो आज पहला दिन है, हम ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन हम थोड़ा खेल खेलेंगे। सबको खेल अच्छा लगता है, बच्चे हो या बड़े हो। बड़े भी जब कभी पिकनिक जाते हैं या कहीं जाते हैं तो मन में अपना बचपना निकल आता है। वरिष्ठ व्यक्ति भी क्यों ना हो, ऐसे माहौल में रख दो, कहां वे बाहर गए कहीं, तो मन में खेलने की उमंग तो जागृत हो ही जाती है। जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत अपने हृदय में होता है, उस प्रकार ये बचपना जो है खेलने की इच्छा, ये कोई भी उम्र के व्यक्ति को अपने हृदय में होती है। तो इसलिए आज हम खेल खेलेंगे, लेकिन हम एक अलग खेल खेलेंगे, एक अद्भुत खेल खेलेंगे। उस खेल के विषय में उसकी विशेषता क्या है वो हम देखेंगे। ये खेल जो है बड़ा ही अद्भुत खेल है। ये खेल सीखने के लिए कुछ नहीं लगता है, कोई भी सीख लेता है, कोई भी उम्र में सीख लेता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी सीख लेता है। किसी के साथ भी हम खेल सकते हैं, हमारे बगल में व्यक्ति बैठा हो या मीलों को दूर बैठा हो, या फिर व्यक्ति जो गुजर गया हो उनके साथ भी हम खेल सकते हैं, किसी को नहीं छोड़ते ये खेल में हम। और ये खेल की विशेषता यह है कि जो यह खेल में भाग लेता है वो जीतता ही है, कोई हारता नहीं है इस खेल में। लेकिन जीतने में भी जो गलत जवाब देता है उसको ज्यादा गुण मिलता है, जो सही जवाब देता है उसको कम गुण मिलता है। ये अद्भुत खेल है। ये खेल के अंत में हमें स्पष्टीकरण हो जाएगा कैसे, लेकिन यही ये अद्भुतता है इस खेल का। जीतते सब है, गलत जवाब दोगे तो ज्यादा गुण, सही जवाब दोगे तो कम गुण। ऐसा कोई खेल नहीं है इस जगत में, ये हमने बनाया हुआ ये खेल है मनुष्यों ने। सो इस खेल के विषय में हम खेलने की शुरुआत करेंगे। सब तैयार है इस खेल खेलने में? ये अद्भुत खेल है, द ब्लेम गेम, जो अनादिकाल से लोग खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे जब तक ये सृष्टि है तब तक। तो अभी यह पहली पहेली मैं आप सबको पूछूंगा, उसका सही जवाब गलत जवाब देना है अगर ज्यादा गुण चाहिए तो। तो यह पहेली से हम शुरुआत करेंगे। एक था राजा, एक थी रानी। बहुत से ऐसे कहानियां सुनी है, पहेलियां सुनी है ना। एक था राजा, एक थी रानी। उन्होंने निर्णय लिया कि हम हमारे इस राज्य में ब्राह्मण भोजन का प्रसंग रखेंगे, सब ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और इस प्रकार हम हमारे राज्य में खुशहाली समृद्धि की प्राप्ति कराएंगे। तो राजा ने निर्णय किया कि ब्राह्मण भोजन करेंगे। उन्होंने दूर दूर गांव से ब्राह्मणों को न्योता दिया, सबको बुलाया ब्राह्मण भोजन करने के लिए। उन्होंने बड़ी रसोई का भी प्रबंध किया, जहां पे अनेक अनेक पकवान बने जा रहे थे। रसोई घर भी छोटा पड़ रहा था, उन्होंने बाहर अपने रसोई घर के बाहर नियोजन किया वहां पे ब्राह्मण भोजन बनाने के लिए। और जब वहां पे ब्राह्मण भोजन का पकवान बन रहे थे, नाना प्रकार के पकवान बन रहे थे, उस समय गरुड़ आकाश से उड़ रहे थे। गरुड़ जो है पक्षी आकाश से उड़ रहा था,
गरुड़ के मुख में सर्प था। गरुड़ सर्प को लेके उड़ रहे थे और योगायोग वो राजमहल से ही गुजर रहा था और रसोई घर के वहीं से जा रहा था और सर्प अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था। कोशिश करते करते उसके मुख से विष निकला और जो विष है वो उस घड़े में जहां पे खाना पक रहा था वहां पे गिरा। जो रसोईया खाना बना रहा था, खाना पकाया उन्होंने और ब्राह्मण भोजन हुआ, ब्राह्मणों को खिलाया गया, ब्राह्मण संतुष्ट होकर भोजन किए उन्होंने, परंतु तत्पश्चात सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा? यहां पे उपस्थित श्रोतागण हमें बता सकते हैं और जो परोक्ष रूप से उपस्थित है वो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जवाब दे सकते हैं। ये इनमें से किसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा? राजा को जिन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया, वो रसोइये को जिन्होंने पकवान बनाया, गरुड़ को जो वही दिशा से गया, या सर्प को जिन्होंने पूरा वही जगह पे पूरा विष को डाला? ये चार में से किसको लगेगा? ये चार में से किसको लगेगा? चारों को इक्वल। चलो मिल बांट के खाना है, ठीक है। और कोई? हाँ, किसी को भी नहीं लगेगा। चलो अच्छा है, यमराज आज अच्छे मूड में है, उन्होंने सबको माफ कर दिया। राजा को लगेगा, राजा को लगेगा, राजा आखिरदार उन्होंने निमंत्रित किया है। और किसको? सर्प को लगेगा, विष तो सर्प का था ना, नहीं लगेगा। गरुड़ को लगेगा, उन्होंने वही दिशा से उनको लेके गया, उनको नहीं लगेगा। मैं चार में से किसको पूछा? तो किसको लगेगा ये चार में से? किसको? यही ये बात चली गई चित्रगुप्त के पास। ये मामला गंभीर है कि मालूम नहीं पड़ रहा है ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा। चित्रगुप्त गए यमराज के पास, यमराज भी सोच में पड़ गए कि ये ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा। यमराज ने बोला, थोड़ा सोचने का समय दो। दरअसल ये पहेली जब यमराज ही नहीं सुलझा पाते तो हम आपको क्या कहना। कुछ लोग मान है लेकिन हम की बात अलग है, यमराज भी नहीं सुलझा पाए तो हम एक काम करते हैं। ये थोड़ा कठिन पहेली थी, हम मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसे कठिन पहेली पहले पहले ही शुरुआत में दे दी। जो ये जैसे होता है ना गेम में, लेवल 10 का गेम रहता है, जो बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी भी नहीं खेल पाता है, वो भी हार जाता है, इस प्रकार का खेल। अभी हम वैसा पहेली खेल खेलेंगे लेवल 1 का, यानी जो बच्चा भी है वो भी कंप्यूटर से जीत जाता है, बहुत बार ऐसा होता है लेवल 1 का। क्या? तो अभी हम लेवल 1 की पहेली खेलेंगे, ठीक है, वो तो आसान है। उसके लिए अभी हम यमलोक से चलते हैं अयोध्या, ठीक है। तो यहां शुरू करने से पहले मैं एक अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्लेमर, मैं एक ये बताना चाहूंगा कि ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे अलग अलग पात्रों के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, उनको शुद्ध भक्त या भगवान के पार्षद ये दृष्टिकोण से ना देखें। ये अलग अलग पात्र है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं और उनका हम विश्लेषण करेंगे, तो वो हिसाब से इस पहेली को देखनी है। तो हम अभी चलते हैं अयोध्या, जहां पे कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। राज्य में सब लोग खुश है, बहुत आनंद का माहौल है, सब लोग खुश है, केवल एक व्यक्ति खुश नहीं है और वो है मंथरा। मंथरा खुश नहीं है, मंथरा कैकेयी को बुलाती है और कैकेयी को बोलती है कि ये क्या खुशी मना रही हो,
भरत को राजा बनाओ और राम को भेजो वनवास। कई कई पहले मानती नहीं है क्योंकि वो राम को अधिक प्रेम करती है और राम भी कई कई को कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती है, माता कौशल्या से भी अधिक प्रेम करते हैं। तो मंथरा उनको समझाती है, कई कई उनकी बातों में आ जाती है। महाराज दशरथ को वो बुलाती है कोप भवन में, वो गुस्सा होकर बैठ जाती है। महाराज दशरथ वहां पे आते हैं और कहके उन्हें बोलती है कि भरत राजा बनेगा और राम वनवास जाएगा। अगले दिन सुबह प्रातःकाल भगवान राम को न्योता देते हैं आने मिलने के लिए, बुलाते हैं अपने भवन में और उन्हें ये ज्ञात होता है कि आज राज्याभिषेक नहीं होने वाला है, उनको जाना है वनवास। भगवान निकल पड़ते हैं वन के लिए। अभी ये जो घटना है, ये जो लीला है, ये जो दृष्टांत है, ये हम सब परिचित है। श्रीराधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद की जय। अभी इस घटना में, इस लीला में या इस घटना में एक बाजू है दोषी, दूसरी बाजू है पीड़ित व्यक्ति। वन इज अ कल्प्रेट, वन इज अ विक्टिम। एक है दोषी व्यक्ति जिन्होंने गलत कार्य किया है और दूसरे है पीड़ित व्यक्ति जो विक्टिम है, जिन पे अन्याय हुआ है। अभी ये तो सरल है, बताइए कौन दोषी, कौन है इसमें? हाँ, मंत्रा और कई कई। और पीड़ित कौन है जिन पे अन्याय हुआ है? राम और दशरथ। बराबर है, जैसे मैंने कहा ये बच्चा भी कंप्यूटर गेम में जीत जाता है, एकदम सरल है। एक बच्चे को भी पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा। दोषी व्यक्ति है मंत्रा और कैकेयी और पीड़ित व्यक्ति है भगवान श्री राम और दशरथ महाराज जिन पे अन्याय हुआ। बराबर है, सही जवाब, मार्क्स कम मिलेंगे। या अभी यही घटना का थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं दोषी कौन है और पीड़ित व्यक्ति कौन है। हम शुरू करते हैं भगवान श्री राम से, जिन पे अन्याय हुआ है। वो आज राजा बनने वाले थे और चले गए वन में, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है, बिना कोई गलती के, बिना कुछ। इससे आप सब मानते हैं भगवान प्रभु श्री राम जो है उनपे अन्याय हुआ है। हम ये चारों पात्रों का विश्लेषण करेंगे, भगवान श्री राम, दशरथ महाराज, मंथरा और कैकेयी। शुरुआत करते हैं श्री प्रभु श्री राम से। श्री राम, भगवान श्री राम जो है उनपे अन्याय हुआ है। यदि हम भगवान श्री राम से पूछे, भगवान आपको कुछ अन्याय हुआ है, भगवान क्या कहेंगे? नहीं हुआ है। या भगवान कहेंगे मेरे पे अन्याय हुआ है? नहीं ना, भगवान नहीं कहेंगे। भगवान को लगा ही नहीं कि मेरे पे अन्याय हुआ है, भगवान को लगा ही नहीं कि मैं पीड़ित हूं। सब लोग बोल रहे हैं कि बिचारे 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 को बोल रहे, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है। समझ रहे ना, ये हमें लग रहा है कि भगवान पीड़ित है उनपे ही, हमें लग रहा है कि लॉर्ड राम इज अ विक्टिम, बट लॉर्ड राम से आई एम नॉट, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अक्सर हमारे जीवन में जब हमारे इर्द गिर्द कुछ घटनाएं घटती है, उस घटना को हम सुनकर हम खुद इतने पीड़ित हो जाते हैं, हमको लगता है बेचारे पे इतना अन्याय हुआ है, इसको इतना पीड़ा हुई, ये है वो है करके, और हम उनको जाके बोलते हैं क्या, देखो आपको क्या हुआ है, बोलते मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, परफेक्टली फाइन। बोला ऐसा कैसे आप चुप बैठते हो, आप पे ये अन्याय हुआ है, आपको बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसे चुप बैठते हो, ऐसा करके। कभी कभी हम अपनी पीड़ा में ये विष उसके दिमाग में डाल देते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं हुआ रहता है, लेकिन हमारे बोलने से वो प्रभावित हो, अरे सही में मेरे पे अन्याय हुआ है। सही बात है ना, हम जाने अनजाने में हमारा विष उनके मन में डाल देते हैं और फिर जो घटना घटती है उसके जिम्मेदार हम पे आता है।
ठीक उसी प्रकार जैसे मंत्रा ने किया, मंत्रा ने अपने मन का विष कैके में डाला, कैके को कुछ तकलीफ नहीं थी, मंत्रा के वजह से वो प्रभावित होके वो गलत काम कर बैठे, बराबर है ना। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम को कोई पीड़ा नहीं है, उन पे कोई उनको कुछ लगा ही नहीं कि मेरे पे अन्याय हुआ है, लेकिन हम ये धारणा करके बैठते हैं और हम ये विष जाने अनजाने में हम दूसरों पे डाल देते हैं। तो ये पहली बात है कि कभी भी हमें अपने, हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच है, हमें जो लगता है वो हमारा विचार है, और यदि हमें पीड़ा होती है दैट्स माई प्रॉब्लम इफ आई एम गेटिंग अफेक्टेड, मुझे दूसरों को ये करने की जरूरत नहीं है, सही बात है ना। तो ये प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम पीड़ित व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट अ विक्टिम, बराबर है, प्रभु श्री राम इस में नहीं है। अभी अभी दूसरे हैं महाराज दशरथ। महाराज दशरथ को भी देखिए कितना अन्याय हुआ, उन्हें अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण खोने पड़े, पुत्र वियोग में अपना प्राण खोना पड़ा, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है, अभी उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो दशरथ महाराज ने ये वचन कैके को दिया कि आपको मैं दो वरदान देता हूं, जब युद्ध में कैके उन्हें सहायता करते हैं तब, और कैके कहते हैं मैं बाद में ये कर लूंगी, और दशरथ महाराज कहते हैं ठीक है बाद में कर लो। तत्पश्चात जब कोप भवन में महारानी कैकेयी होती है और दशरथ महाराज आते हैं, कैकेयी उन्हें बोलती है कि मैं जो मांगू आपको देना पड़ेगा, दशरथ महाराज बोलते आप जो मांगो मैं दे दूंगा, आप मांग के तो दिखाओ, इतना विश्वास के साथ उन्होंने ये कहा। परिणाम वश क्या हुआ कि कैकेयी ने ये दो वर मांगे, और दशरथ महाराज न चाहते हुए भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्हें ये वचन पूरा करना पड़ा और उनकी, राम को वनवास जाना पड़ा और दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई। दशरथ महाराज पीड़ित व्यक्ति है या कहीं उनका दोष भी है, सोचिए। इस प्रकार वचन देकर, वचन तो दिया लेकिन जब मांगो, जब मांगना है तब मांगो, इस प्रकार का वचन नहीं दिया जाता। और कोप भवन में भी जब उन्होंने कहा मांगो मैं जो भी ये वचन पूरा कर दूंगा, इस प्रकार से वचन नहीं दिया जाता है। तो दशरथ महाराज की जाने अनजाने में यह भूल हो गई कि उन्होंने इस प्रकार के वचन दिए जिसके परिणामवश यह घटना घटी, और उनकी ही भूल की वजह से वो पीड़ित हो गए। ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ हिज ओन मिस्टेक, बराबर है, अपनी ही गलती से वो अपने ही आपको पीड़ा में डाल दिया। हम बोलते हैं कैके की वजह से, कैके अगर वरदान ही नहीं रहता तो क्या कर सकती है कैके, सही बात है ना। भूल कहां पे है, बहुत बार ये भूल हम कर बैठते हैं। और उतना ही नहीं, दशरथ महाराज की शुरुआत यहां से हुई जब उन्हें कैके से विवाह करना था, तो उन्होंने कैके के पिता महाराज अश्वपति को यह वचन दिया अकेले में कि मुझे कैके से विवाह करना है, मैं आपको वचन देता हूं कि कैके का बेटा राजा बनेगा, ये उन्होंने वचन अश्वपति को दी, जो किसी को नहीं मालूम था। देखिए वचन दिया, जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और खीर की कटोरी थी तो स्वाभाविक रूप से उनको देना चाहिए। दशरथ महाराज ने क्या किया, सबसे पहले किसको दिया, कौशल्या को। देखो वचन दिया कैके के बेटे को राजा बनाने के लिए, और खीर का पहला न्याला दिया कौशल्या को, जिनसे प्रभु श्री राम जन्म लिए। क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्योंकि उनको मालूम था यदि वो कैके को देंगे तो ये कोई स्वीकार नहीं करेगा और ये गलत कार्य होगा और उनका अपमान होगा, इस प्रकार से वो नहीं कर सकते, उन्हें मालूम था, इसके लिए उन्होंने कौशल्या को दिया। प्रभु श्री राम जब अवतरित हुए, उनका जब जन्म हुआ, पूरा अयोध्या खुश था, हर एक व्यक्ति खुश था, एक व्यक्ति दुखी थे, और वो है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ
प्रभु श्री राम के अवतरित होने से राज्याभिषेक अभिषेक तक होने वाले राज्याभिषेक तक पूर्णतः भय में थे, दुख में थे कि अब मैं कैसे करूंगा। वचन दिया है कैकेयी को, लेकिन राजा बनना है राम को, और यदि मैं राम को नहीं बनाऊंगा तो अयोध्या में पूरा कोलाहल मच जाएगा, कोई पूरा विद्रोह हो जाएगा, कोई ये बात को स्वीकार नहीं करेगा कि राजा प्रभु श्री राम राजा नहीं बन सकते। और इसीलिए उन्होंने समय का उपयोग करके, जब भरत अपने ननिहाल गए थे उस समय ही उन्होंने वो देखकर, क्योंकि वहां अश्वपति भी नहीं आ सकते, उस समय उन्होंने राज्याभिषेक की घोषणा कर दी कि प्रभु श्री राम को राजा बना देंगे। समझ रहे? सो खेल में कभी कभी होता है। तो अभी ये बात गलत है या सही है, बताइए मुझे, गलत या सही है क्या? अभी ऐसा है कि सब बोलने से डर रहे। गलत मार्क को ज्यादा मार्क से भाई बोलो, चिंता क्या है? हा? वचन दिया कैकेयी के पिता को भरत को राजा बनाने के लिए, और मौका देख के बना रहे राम को, ये सही बात है या गलत है? गलत है। लेकिन सभी आचार्यगण और शास्त्र कहते हैं कि यदि अपने वचन में यदि ऐसा लगे कि राज्य को खतरा है तो उस वचन को आप तोड़ सकते हो। और यही कारणवश महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि मैं अगर राम को राजा नहीं बनाऊंगा तो विद्रोह हो जाएगा राज्य के लिए, मैं ये वचन तोड़ूंगा और राम को राजा बनाऊंगा। दशरथ राम ने ये वचन तोड़ के राज्याभिषेक की घोषणा की। गलत कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन गलती यहां हो गई कि ये वचन तोड़ा लेकिन ये वचन नहीं तोड़ा। समझ गए आप? यहां पे वचन तोड़ा लेकिन कैकेयी को दिया हुआ वचन, वहां पे भी वो यह बोल सकते हैं कि ये हो नहीं सकता है, राज्य में विद्रोह होगा, मैं ये कर नहीं सकता हूं, आपके वचन को मैं निकाल देता हूं, नहीं पूरा कर सकता हूं। यदि वो दोनों वचन तोड़ते तो कुछ तकलीफ नहीं था, या फिर दोनों पूरा करो, भरत को राजा बनाओ, बात खत्म, जो होगा देखा जाए। लेकिन उनकी गलती कहां पे हुई? एक वचन तोड़ा, एक वचन पूरा किया, और वहां पे ही उन्होंने अपने आप को ही ऐसे परिस्थिति में डाल दिया। उसमें कैकेयी आई कहां से? आप समझ रहे हो मनुष्य की मानसिकता क्या होती है? इन पे अन्याय हुआ है ना तो कोई तो रहेगा। अरे जरूरी नहीं है कोई दूसरे के वजह से ही अन्याय हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये धारणा कर बैठते हैं। और दशरथ महाराज जो है वो पीड़ित व्यक्ति थे, बराबर है, जैसे हमने शुरुआत में किया, वो पीड़ित व्यक्ति भी है और दोषी व्यक्ति भी है, बराबर है, वो दोनों भी है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक दोषी व्यक्ति है और एक पीड़ित व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कि दोषी व्यक्ति शत प्रतिशत दोषी है और पीड़ित व्यक्ति शत प्रतिशत निर्दोष है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये धारणा कर बैठते हैं। इस जगत में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हो सकता है प्रतिशत में कम ज्यादा हो, लेकिन दोनों की गलती है, दोनों सही है, ताली दो हंसते बजती है, और दोषी व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं सही बात होती है और पीड़ित व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं गलती होती है। लेकिन हम इतने आसानी से इस धारणा को कर बैठते हैं, वहां पे हम गलत हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने एक उदाहरण देखा रास्ते में, सब मैं एक जा रहा था, एक ट्रक खड़ी थी सामने और एक बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था, और योगा योग हुआ ऐसे कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने अपना दरवाजा खोला और ये बाइक वाला उस पे धड़का और उसका सर लगा वो दरवाजे पे और लहू लुहान हो गया, खून निकलने लगा, लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग ट्रक वाले को बुला के चिल्लाने लगे और बोलने और इकट्ठा हो गए, सब लोग उनको ये बोलने लगे और सब लोग इनकी संवेदना, उनको सहानुभूति दिखाने लगे। इतना सारा मच गया, कोलाहल हो गया वहां पे कि ये ट्रक वाले ने इस तरह से खोला कि ये ड्राइवर को, ये बाइक वाले को लगा और इसके वजह से उसको खून निकल रहा है, बराबर है ना? ट्रक वाले की गलती है, बाइक वाले की गलती नहीं है, बराबर है ना? बाइक वाले की क्या गलती है? नहीं, वो राइट साइड से ही चला रहा था। बोले बोले इसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि गलत आंसर दिया। हाँ हाँ, हेलमेट नहीं पहना था।
अगर हेलमेट नहीं पहनोगे और फिर तुम कोई किसी गलती से तुमको लगता है तो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन मनुष्य की मानसिकता यह है, क्योंकि उसको खून निकला, बेचारे को खून निकला, पकड़ो उसे। अरे लेकिन सोचो तो सही, उसको खून क्यों निकला? उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है। इसके लिए हमें नॉन जजमेंटल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्षता से हमें इस परिस्थिति को निरीक्षण करना चाहिए। भावनावश, भावना में आके एक को लगा तो दूसरे को इस तरीके से निर्णय नहीं लिया जाता है। और यही गलती हम कर बैठते हैं कि एक व्यक्ति शत प्रतिशत दोषी है, दूसरा व्यक्ति शत प्रतिशत निर्दोष है, और उस पर सब लोग टूट पड़ते हैं ये देखते हुए कि ये दोषी, ये निर्दोष व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं गलती है कि नहीं है। यही चीज दशरथ महाराज को कई कई वजह से गलती उन्होंने निर्माण करी। कई कई तो बाद में आई, शादी से पहले ही उन्होंने वचन दे दिया था। तो ये है दशरथ महाराज का निष्कर्ष, ये है कि वे पीड़ित भी थे और दोषी भी थे। अभी तीसरे पात्र मंथरा। ये सब दोष का मूल है मंथरा। मंथरा के दिमाग में यह बात आई, मंथरा ने कैकेयी को भ्रमित किया। लेकिन मंथरा है कौन? वो एक दासी है, उनमें कोई निर्णायक शक्ति नहीं है। वो जो सोचे, जो बोले, जो लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता है। तो भले मंथरा की गलती है, किसको समझदारी से काम लेना चाहिए था? कैकेयी को। कैकेयी को समझदारी से काम लेना चाहिए था कि मंत्र जो बोले बोलने दो, असल में बात यह है मैं रानी हूं, मैं महारानी हूं, मुझे सही बात क्या है, गलत बात क्या है, ये सोच के मुझे निर्णय लेना है। उनको जो बोलना है बोलने दो, सही बात है ना। तो भले मंत्रा ने शुरू किया ये बात, लेकिन मंत्रा में कोई शक्ति नहीं है, निर्णायक शक्ति नहीं है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है। तो अभी ये सब खेल का मूल आया महारानी कैकेयी के ऊपर। अभी हम कैकेयी के विश्लेषण करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। कैकेयी के दोष के वजह से ये सब निर्माण हुआ। दशरथ महाराज की मृत्यु हुई, राम श्री राम को, प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा, उनकी दोष है। अभी दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखेंगे, कल सुबह राज्याभिषेक होना था, मंथरा उन्हें कुछ बोलती है, वो भ्रमित हो जाती है, उनके पास एक ही रात है सोचने के लिए। उस रात ना वो किसी को पूछ सकती है, ना कर सकती है, उन्होंने उनको जो सही लगा उन्होंने किया। करने के बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि जो मैंने किया वो गलत किया, और वो पश्चाताप करने लगे। बराबर है। अभी ये दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो ऐसी परिस्थिति में आ गई कि वो समय कम था, उन्हें बहुत बड़ा निर्णय लेना था और उन्होंने गलती से कुछ निर्णय ले लिया। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसा हमें सिखाया जाता है, कभी भी कुछ भी हो, कभी भी हम कुछ आवेश में हो या कभी भी ऐसे हो, तुरंत हमें कुछ निर्णय नहीं लेना है, रात भर सोचना है, अगले दिन सुबह आराम से सोच के निर्णय लेना है। बराबर है ना। यही हम ट्रेनिंग सेमिनार्स में देखा जाता है कि आराम से हमें सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है। कभी कुछ मेल भेजना है, कुछ करना है, लिख के रखो, भेजो मत। कल सुबह प्रभु जी हमें ट्रेनिंग में बताते हैं, कल सुबह सोचकर उसे भेजना है, क्योंकि फिर जब हम सुबह वो पढ़ेंगे हमें मालूम पड़ेगा अरे इसमें कुछ बदल है। और रात को मैं उस भावनावश कुछ सोच बैठा, मैं होता है, ये सबसे होता है, ये मनुष्य की मानसिकता है। कैकेयी के साथ हूबहू यही हुआ, उसके पास समय नहीं था दूसरे दिन सुबह तक राह देखने के लिए, जो करना था रात को करना था, ना किसी को पूछ सकती है, ना किसी से चर्चा कर सकती है, और वो भावनावश में आके वो कुछ कार्य कर बैठी और बाद में वो पश्चाताप करने बैठी। अभी ये दोष है या गलती है, अपराध है या गलती है? गलती है, अपराध नहीं है। बराबर है ना। दुर्योधन ने जो किया वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, जब उन्होंने पांडवों को वनवास भेजा। बराबर है। और इसके वजह से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। लेकिन कैकेयी का पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था, और उसके वजह से वो बाद में पश्चाताप करने लगी कि मेरे से गलती हो गई। बराबर है। ये दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो कैकेयी को
उसको गलती हो गई। दुर्योधन का जो कार्य था और कैकेयी में संपूर्ण फर्क है। दुर्योधन ने पांडवों को वनवास भेजा, कैकेयी ने परशुराम को वनवास भेजा, लेकिन उनके कार्य में फर्क है, ठीक है ना, उनकी मानसिकता में फर्क है, उनकी भावनाओं में फर्क है। गलती हो गई, कैकेयी ने माफी भी मांगी। तो ये अलग दृष्टिकोण, यानी अपराध कहां और गलती कहां, फांसी की सजा कहां और 2 साल की कैद, फर्क है उसमें, बराबर है ना। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है। अभी तीसरा दृष्टिकोण है जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम अवतरित हुए दानवों का वध करने के लिए, खास करके रावण का वध करने के लिए, और उसके लिए उन्हें लंका पहुंचना जरूरी था। कल सुबह राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, सब देवी देवता चिंतित हो गए, और प्रभु श्री राम को भी लंका जाने के लिए उनको कार्यरत करना था। जब भगवान को जब जरूरत पड़ती है तो भगवान के अपने ही उन्हें काम में आते हैं, और भगवान अपनों को ही अपने सेवा में लगाते हैं। ऐसा कहा गया है कि पूरे अयोध्या में ऐसे कहा जाता है कि जिसने भी सरयू नदी का पानी पिया है वो कभी भी प्रभु श्री राम के विरुद्ध सोच भी नहीं सकते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जिसने भी सरयू नदी का पानी पिया है वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। सबको मालूम था कि ये एक ही व्यक्ति कर सकती है, और वो है मंथरा, क्योंकि वो कभी अयोध्या की नहीं थी, और उसके लिए इस कार्य में कैकेयी का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण था। कैकेयी जो प्रभु श्री राम की कौशल्या से भी ज्यादा चहेती माता थी, प्रभु श्री राम को मालूम था कि वही ये कार्य कर सकती है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, जिस कारण मेरा उत्तरण हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय। ये कार्य की पुष्टि सिद्धि करने के लिए मुझे माता कैकेयी ही मदद रूप हो सकती है, और कैकेयी के वजह से प्रभु श्री राम लंका तक पहुंचे। अन्य कोई मार्ग नहीं था, प्रभु श्री राम एक बार राजा बन जाते तो अयोध्या और लंका का दूर दूर तक संबंध नहीं था, रावण को मारना मुश्किल हो जाता, और यही कारण के वजह से प्रभु श्री राम ने कैकेयी माता का योगदान लिया। अब ये दृष्टिकोण से देखो माता कैकेयी का, जिस प्रकार भीष्म देव ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए अधर्म के साथ लड़े, भीष्मदेव को मालूम था कि यदि मैं अधर्म के साथ युद्ध करूंगा तो मेरे बारे में मेरी निंदा होगी, मेरा तिरस्कार होगा, लेकिन फिर भी भगवान के नियोजन में कार्य करने के लिए भीष्मदेव ने उसको स्वीकारा, और वो निंदा के पात्र बने कि जो भी हो मैं अधर्म के बाजू से लड़ूंगा। अगर ये दृष्टिकोण से देखते हैं तो कैकेयी ने भी वही कार्य किया जो भीष्मदेव ने किया था, और इसकी पुष्टि प्रभु श्री राम चित्रकूट में करते हैं। जब कैकेयी महारानी प्रभु श्री राम के पास आके बोलती है मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, आप वापस अयोध्या आ जाओ, उस समय प्रभु श्री राम कैकेयी को कहते हैं, माता जो तत्वदर्शी है, जो भी तत्वदर्शी है वो कभी भी आप पे आरोप, आपकी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि आपने कितना बड़ा योगदान दिया है इस कार्य में। ये शब्द, ये वचन प्रभु श्री राम के है चित्रकूट में। इससे पुष्टि होती है कि कितना बड़ा योगदान माता कैकेयी ने दिया है इस असुर कुल को नाश करने के लिए। सो यही तो भगवान को, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जब भगवान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो अपनों को ही याद करते हैं। कैकेयी उनकी अपनी थी, इतनी महान व्यक्ति थी, और यही हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी। प्रभुपाद को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब कोई उनको मदद करने के लिए नहीं था, उनके सामने ये हिप्पीज थे जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। जो प्रभुपाद बोलते वो करते, गलती हुई जो भी हुई बस प्रभुपाद जो बोलेंगे वो करेंगे। अरे गलतियों पे किसी को टोकना या किसी की निंदा करना आसान है, लेकिन गलती करने की हिम्मत रखना आसान नहीं है, उसके लिए जिगर लगता है, जिगर। ऐसे लोग थे ये हिप्पीज जिन्होंने प्रभुपाद के लिए कुछ भी कर दिया। प्रभुपाद को मालूम था कि उनके पास समय कम है, 20 साल की उम्र में उनको संन्यास दिया,
विदेशी लोगों को जिनको कुछ मालूम नहीं था उनको सन्यास दिया और उनके उनके साथ उनके उनके माध्यम से उन्होंने विश्व भर में इस आंदोलन को फैलाया। ऐसे लोगों में से कुछ आज बड़े बड़े सन्यासी है, कुछ जीबीसी है, आचार्य है, कुछ सन्यासी जो थे उन्होंने बाद में सन्यास छोड़कर शादी कर ली, कुछ सन्यासी जो थे वो बाद में भक्ति से पतन हो गया उनका, परिणाम अलग अलग हुए, लेकिन एक चीज जो सब में समान थी वो थी उनकी योगदान। सब लोगों ने उतने ही प्रभावशाली योगदान दिया प्रभुपाद के लिए और यह योगदान सराहनीय है, यह योगदान वंदनीय है। तो यह बहुत जरूरी है, जिस समय जरूरत है उस समय खड़ा रहना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, निंदा करे, तिरस्कार करे, कुछ भी करे, यह तो है समर्पण। आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तुमाम, यही चीज जो है प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से दिखाया। और यदि हम यह भावना रखें कि हर एक व्यक्ति का योगदान है, कुछ भी रहे हर एक व्यक्ति का उतना ही योगदान है, तो पंडित समदर्शिना का अर्थ केवल ये नहीं है कि सब में आत्मा देखना, पंडित समदर्शिना का अर्थ ये भी है कि सब में सबको समान दृष्टि से देखना, सब में योगदान की पात्रता देखना, कि हर एक व्यक्ति में योगदान की पात्रता है, हर व्यक्ति योगदान कर सकता है, यह भावना से हर एक व्यक्ति को देखना और सबको सेवा में लगना, यही प्रभुपाद जी ने किया। घर में बैठ के एसी रूम में बैठ के मैच देखकर बोलना ये खेल नहीं रहा है वो नहीं कर रहा है आसान है, लेकिन धूप में खड़ा रह के पूरा दिन खेलना आसान नहीं है। बैठे बैठे बोलना बड़ी बात है, लेकिन जो व्यक्ति यह योगदान देता है उसे मालूम है क्या बीतती है उस पे। और इसके लिए यदि हम यह भावना निर्माण करें, कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, गलती हो गई कुछ, यह भगवान कहते हैं अपिचेत शुद्धाचार हो। क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान सब में योगदान देखते हैं, भगवान सब में उनका योगदान देखते हैं। अपिचेत शुद्धाचार जो भी हो गया वो अलग बात, योगदान। और यदि हम यही दृष्टि से अगर देखेंगे ना, तो जो लोग सहायता नहीं करते हैं उनमें भी हमें योगदान दिखेगा। जैसे कुछ वर्ष पूर्व हमने चर्चा करी थी, यही ज्वलंत उदाहरण है श्री प्रभुपाद जी की स्वयं की धर्म पत्नी, कभी भी उनको सहयोग नहीं दिया, कभी भी उनको सहयोग नहीं दिया, लेकिन सहयोग न देने से उन्होंने जो योगदान किया है वो हम सब सहयोग देकर भी नहीं कर सकते। अरे वो वंदनीय है कि उन्होंने प्रभुपाद को सहयोग नहीं दिया, नहीं तो हम कहां होते, हम सहयोग कर पाते प्रभुपाद का नहीं। हर व्यक्ति में हमें योगदान दिखेगा यदि हम केवल अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करेंगे। कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास भेजा ताकि वो रावण को मार सके, प्रभुपाद जी की पत्नी ने प्रभुपाद को छोड़ दिया ताकि वो विश्व आंदोलन का निर्माण कर सके। दोनों में भी हम योगदान देख सकते हैं, दोनों में भी हम एक योगदान की भावना देख सकते हैं। निंदा के पात्र कोई नहीं है, निंदा के पात्र यदि कोई है तो केवल हम। तो कैकेयी महारानी के कितने स्तर है देखिए, एक दोषी, दूसरी गलती हो गई, और तीसरी इतना बड़ा योगदान जो कोई नहीं कर सकता। अभी कौन से कैकेयी हम चुनेंगे बताइए? यही होता है हर भक्त के साथ। हर भक्त को हम सब लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, किसी को लगता है दोषी है, किसी को लगता है गलती है, किसी को लगता है कि वो महान भक्त है। और कई के उदाहरण से हमें दिखता है कि उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि एक महान भक्त जो इतना बड़ा योगदान देता है भगवान अपने नियोजन के लिए, उनसे भी ऐसी गलती कराते हैं कि वो निंदा के पात्र बने। बलि महाराज का भी यही हुआ ना, उनको निंदा अपमान से गुजरना पड़ा। भगवान, ये भगवान का नियोजन है कि ऐसे योगदान देने वाले भक्त को भी भगवान उस परिस्थिति में डालते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आज जो निंदा के पात्र है कल वो ऐसा कुछ योगदान दिखा पाए कि हम भी चकाचौन हो जाए। बोल नहीं सकते। भगवान का कार्य है राजा को रंक बनाना, रंक को राजा बनाना, यही भगवान करते हैं। बोल नहीं सकते आज जो यहां बैठा है वो कल क्या कर देगा और कल जो वहां है वो क्या कर सकता है। हम कौन होते हैं ये सब धारणाएं लगाने के लिए। तो इस खेल का परिणाम यह है
कि दशरथ राम भगवान बाहर है, मंथरा बाहर है, अभी बचे पति पत्नी दशरथ महाराज और कैकेयी। दोनों की अपनी गलतियां हैं, दोनों का अपना योगदान है, बराबर है। बोथ आर राइट, बोथ आर रॉन्ग, किसी को भी हम शत प्रतिशत गलत और शत प्रतिशत निर्दोष नहीं बोल सकते। दोनों की अपनी गलतियां हैं और दोनों अपनी जगह पे सही है, बस एक दृष्टिकोण का फर्क है। चलो अभी देर हो रहा है, अभी हमें जाना है यमलोक, ठीक है। यमलोक पे देखते हैं यमराज जी, वो हमारे जज है इस खेल का, जनरली शो होता है उसमें जज होते हैं ना, हमारे जज यमराज है। तो यमराज जी क्या बोलते हैं देखते हैं। तो रामायण की इस कथा से अभी हम देखते हैं यमराज अभी क्या निर्णय निकालते। तो यमराज अभी भी देख रहे हैं कि भाई ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा। एक साल बीत गया, अगला साल आया, राजा ने वापस ब्राह्मण भोजन का न्योता भेजा और दूर दूर गांव से ब्राह्मण आने लगे और ब्राह्मणों की टोली आ रही थी महल जाने के लिए और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी, इन ब्राह्मणों ने बूढ़ी औरत को पूछा राजा का महल कहां है बताएंगे। बूढ़ी औरत बोली कौन, वही राजा जो ब्राह्मण भोजन करा के उनकी हत्या करते हैं। यमराज ने कहा ब्रह्म हत्या का पाप इस बूढ़ी औरत को लगेगा। ऐसे तो हम कितनी बार यूं बोल देते हैं, यूं है ना, कितनी बार कहां कहां हमने बोला है। अगर सूची निकालने बैठे तो शायद चित्रगुप्त भी यूं बोल देते। बूढ़ी औरत ने यूं बोल दिया कि कौन, वही राजा, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। सोचने की बात है, शत प्रतिशत पाप का भागीदारी बनी ये बूढ़ी औरत, बड़ा ही गंभीर विषय है। इतना बोलने से ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ऐसे तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। राजा निर्दोष थे, इसके लिए उन्हें शत प्रतिशत पाप बूढ़ी औरत को लगा। यदि राजा दोषी होते तो उन्हें 50% पाप लगता, मिल बांट के। और यही इस खेल का नियम है, जो सही जवाब देता है उसको कम गुण मिलता है, जो गलत जवाब देता है उसको ज्यादा गुण मिलता है। उनका जवाब गलत था इसके लिए उनको शत प्रतिशत ब्रह्म हत्या का पाप लगा। यदि ये बूढ़ी औरत सही होती तो उन्हें 50% पाप लगता। कर्म का सिद्धांत जो है वो गूढ़ है समझना, लेकिन गणित बड़ा सरल है, गणित सरल है, जो भी है आपस में बांटो खत्म करो। सिद्धांत गूढ़ है लेकिन गणित सरल है। यदि 10 बूढ़ी औरत ने ये चीज बोली होती, ठीक है, सबको 10-10%, सीधा हिसाब है। जितने ज्यादा लोग राजा की निंदा करेंगे उतना उनका प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि वो उस गलती का फल यही भुगत रहे हैं निंदा के द्वारा। अब समझ रहे हो, गलती हुई है, 10 लोग निंदा कर रहे, मेरा 10% हो गया, क्योंकि मैं ये निंदा के पात्र अभी बन रहा हूं, मैं इस कर्मफल मुझे अभी मिल रहा है, मेरा सीधा सीधा कर्मफल कम हो गया। और यहां पे हमारे महान भक्त बैठे हैं बांटने के लिए, मेरा परसेंट कम हो रहा है। तो ये बात है, गणित समझना बहुत जरूरी है कि जितना ये निंदा फैलता है उतना प्रतिशत गलती करने वाले का कम होता है और करने वाले का बढ़ता है। अपराध 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 सब जड़ का मूल है। गलती और अपराध, कौन ज्यादा भागीदारी है कर्म का? किसी से गलती हुई और हम अपराध कर बैठते हैं, अरे उसकी गलती सुधारने के लिए हम कहां पहुंच गए। और इसके लिए अनेक बार जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, चाहे हमारा भक्तिमय जीवन हो या खुद का वैयक्तिक जीवन हो, खुद का भौतिक जीवन हो, हमारे जीवन में या कोई भी व्यक्ति जब जीवन में अनेक अनेक कठिनाइयां आती है, परिश्रम होता है, तकलीफें आती है, नाना प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, दुख क्लेश
अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ता है, हमें लगता है ये पूर्व संचित कर्म है, वो तो बात की बात है, हम जो अपराध कर रहे हैं उसका फल हमको यही मिलते जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि जितने भी हमारे भक्ति में या हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती है, कहीं ना कहीं हम ऐसे अपराध कर बैठते हैं जिसका हम भुगतते रहते हैं। तीन प्रकार से हम अपराध करते हैं। एक, कोई व्यक्ति ने गलती की, उसको दोषी आरोपी ठहराकर उसको निंदनीय बना देते हैं। उसके वजह से कितने सारे प्रतिशत हम लेके बैठ जाते हैं। दूसरा, कभी कभी किसी के साथ हमारा मतभेद हो जाता है, मतभेद के साथ मनभेद हो जाता है, मनभेद के कारण नकारात्मक भावनाएं निर्माण होती है और कहीं ना कहीं हमारे बोलने में, हमारे बर्ताव में वो निकल आता है और अपराध कर बैठते हैं। और तीसरा, कभी कुछ हुआ नहीं रहता है लेकिन गलत धारणाएं करके ये ऐसा है, ये हमारे बारे में ऐसा बोल रहा हूं, ये हमेशा ऐसा, इस प्रकार के गलत धारणाएं कर बैठते हैं और ईर्ष्या द्वेष ये सब निर्माण कर हम हमारे कर्मों को बढ़ाते हैं, अपराधों को बढ़ाते हैं जहां पे भी हम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि असलियत कुछ और होती है, जो हम सोचते वैसे नहीं होती है। हमें लगता है ये दोषी है, आरोपी है, लेकिन हो सकता है वो नहीं हो, हमने गलत धारणा कर बैठी है और जिसकी वजह से हम ये पाप के भागीदारी बने। मनभेद हुआ, हमें लगता है इसने गलत किया, लेकिन हो सकता है कहीं हमने गलती की हो ना कि उसने। और तीसरा, कभी कभी हम ऐसी धारणा कर बैठते हैं लेकिन यदि हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो मालूम पड़ता है कि वो कुछ गलत था ही नहीं। एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण करूंगा। एक भक्त थे जो मेरे पास आए और बोले कि प्रभु जी, ये व्यक्ति जो है, ये मेरे जो वरिष्ठ है, उन्होंने मुझे बहुत बहुत इस्तेमाल किया, उनके खुद के स्वार्थ के लिए मुझे अलग अलग कार्यों में लगाया और मुझे, जैसे अंग्रेजी में बोलते, एक्सप्लॉइट किया, मुझे मेरा इस्तेमाल किया। और वो अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुना रहे थे कि उन्होंने खुद के प्रचार के लिए मुझे सब जगह बोला, यहां प्रीचिंग अरेंज करो, वहां करो, ये प्रोग्राम शुरू करो, इतना सारा काम किया। मैं अपना ऑफिस छोड़ के उनके लिए ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम अरेंज कर रहा था। कभी कभी वो आते नहीं थे, मुझे बोलते थे आप खुद क्लास दो, मैं खुद क्लास देता था, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था। और वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इतना सब कर रहे थे, मुझे उन्होंने इस्तेमाल किया। उनको शांत किया मैंने और तत्पश्चात मैंने उनको पूछा, अच्छा मुझे बताओ आजकल आप करते क्या हो। मैं कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर हूं, आपको मालूम है मैं क्या करता हूं? क्या करते हो? मैं बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता हूं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता हूं, कंपनी की तरफ से वहां जाता हूं, प्रेजेंटेशंस देता हूं, अपने प्रोडक्ट को बेचता हूं और पूरा कंपनी का जिम्मेदारी मुझ में है और उसी खुश होकर आज मैं मैनेजर हूं और मैं अभी डायरेक्टर बनने वाला हूं। मैं बोले आप बने कैसे? आपको लगता है ये व्यक्ति ने आपको इस्तेमाल किया? कहीं ना कहीं आप सोचो, आज जो आप कर रहे हो ना, ये उसी प्रशिक्षण का परिणाम है, ये उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। आज आप बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हो, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंपनी को इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में लेके जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इसका प्रशिक्षण यही व्यक्ति ने दिया है। और फिर वो बोले, सही बात है, मैं गलत धारणा लेके बैठा था कि इसने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन यदि मैं वो निरीक्षण करूंगा तो उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया है वो आज मुझे काम में आ रहा है। तुरंत वो नकारात्मक भावना कृतज्ञता में बदल गई। तो तीन चीजें हैं, यदि हम किसी को दोषी या आरोपी ठहराते हैं, अगर किसी किया है तो क्षमा मांगो, इस बोझ से निकलो, मेरा कोई अधिकार नहीं है ये सब चीजें किसी को बताना, आप सब महान वैष्णव हो, मैं केवल अपना अनुभव बता रहा हूं कि इस कर्मों के संचित बोझ लेके मर मर के जीने से अच्छा है इस बोझ को निकाल फेंको, अंदर छुपे हुए इस रावणों को निकालो, काट के फेंक डालो, मन शांत हो जाएगा। जिनसे भी गलती से हमें अपराध हुआ है, क्षमा मांग के कोई छोटा नहीं होता और क्षमा करके कोई बड़ा नहीं होता। मांगो क्षमा, और यदि किसी ने हम पे अन्याय किया है, भले वो क्षमा मांगे या ना मांगे, माफ कर दो उसे, उसके लिए नहीं, खुद के लिए माफ करके देखो, मन शांत हो जाएगा।
दूसरा, कभी मतभेद हुआ है, मनमेद हुआ है, इतना नकारात्मकता रखने के बजाय बात करो उससे, बुलाओ, बैठो, क्या है, इतने साल से हम एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे को ये कर रहे हैं, कब तक ये ऐसे जिएंगे, क्या है, अरे 10 साल पहले आपने ऐसा किया था, 25 साल पहले, 25 साल तो मैं था भी नहीं भक्ति में, इतने इतने धारणाएं लेके बैठते हम, बात करो, सुलझाओ, अरे मुझे तो लगा आप ये बोल रहे थे, नहीं नहीं यार ये था, अरे गलत धारणा है, थोड़ा उस पर विचार करो, उस पर थोड़ा सा सोचो, जिस व्यक्ति के बारे में गलत धारणा है विश्वास करो, थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन करोगे, मालूम पड़ेगा कितनी मदद रूप हुई है वो व्यक्ति, हृदय कृतज्ञता में बदल जाएगा। मन में से ये बोझ निकालना है, मन में से बोझ निकालना है और भक्ति करनी है, जीवन जीना है, सुख रूप जीवन जीना है, निकाल फेंकना है ये सब। मेरा एक ही निवेदन है, आज रात अपने अपने कक्ष में या गृह में जहां पे भी जाकर अंधेरा करके बैठो, अपने गिरबान में झांको, अपने अतीत में जाओ और देखो किस किस लोगों के कितने कितने प्रतिशत हमारे पास पड़े हुए हैं, वो जितने भी धन हमने अर्जित किया है वो धन बांट दो, इसका 2%, इसका 10%, किसी का 50, किसी का 100, बाप रे, निकाल दो, बांट दो, मत रखो अपने पास। मनभेद हुआ है, मतभेद हुआ है, बात करके खत्म करो, मत रखो अपने पास। अलग अलग धारणाएं नकारात्मक, ये सब रावणों को मारना है, यही रामायण है कि हम अपने हृदय के रावण को इस मार फेंके। यदि इस प्रकार हम सब भक्त आपस में ये सब अपने 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 प्रतिशत अपने पास रखो, आप भी सुखी से रहो, मुझे भी सुखी से जीने दो, यह करना है, ये करके देखिए और फिर देखिए जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये एक्सरसाइज, ये जो कार्य है, करके देखिए, निकाल फेंकिए, कहीं ना कहीं ये चीज हमारे जीवन में बाधा रूप अवरोध बन रही है, उसको निकाल के यदि देखेंगे तो भक्ति जो है और अपना जीवन जो है सुखरूप हो जाएगा। सर्व सुखिनः भवन्तु, सब लोग सुखी से, ये समाज, ये समुदाय जो हमें प्रभुपाद ने दिया है और जो विश्व है, ये समाज हमें एक दूसरे के साथ सुखी से साथ में रह के बिताना है, ना कि ये सब द्वेष इस सब भावना को रख के। निकाल के देखिए, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, मन निर्मल लगेगा और सर्व से एक बहुत बड़ा बोझ निकल जाएगा, और जब ये होगा तब हमें ये एहसास होगा। सर्व सुखिना भवंतु, वसुधैव कुटुंबकम, सब अपना ही परिवार है, किसी का वैर मत रखना है, किसी का ये नहीं करना है, और तब जाके जब इन रावणों को हम मारेंगे तब जाके असली में राम राज्य की स्थापना होगी, और यही असली राम राज्य है जहां पे सब लोग राम का स्मरण करके एक साथ सब लोग सुख समृद्धि से भक्ति करते हैं और जीते हैं। यही भावना से यदि हम राम राज्य की स्थापना करने के लिए प्रयास करेंगे और यही भावना से जब हम रामायण सुनेंगे तो शायद रामायण कुछ और ही हमें लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु श्री रामचंद्र की, रामायण श्री राम नवमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभुजी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। आई हैव वन क्वेश्चन। इट इज सेड इन शास्त्रास दैट 50% ऑफ द सिन द किंग विल टेक ऑफ द प्रजा, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? एक बात बोलूं, दूसरों का जाने दो, अपना सोचो, है ना, वो उनको जो मिलेगा उनको, हम कितनों का लेके बैठे हैं ना वो हमें मालूम नहीं है, कम से कम पहले वो करते हैं, ये हम बाद में आएंगे। क्या है, हम दूसरों को कितना मिला, दूसरों की थाली में क्या है, हम भूखे रह गए, तो पहले हमारा चिट्ठा निकाले कि भाई क्या क्या है, फिर कहीं ना कहीं मालूम पड़े कि राजा का ही हम लेके बैठे हैं। तो वो देखेंगे, मे बी पहले ये हम कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला कि सबको माफ कर दो, जो जिनका भी हमने लिया हुआ है सब माफ करो, सुलझा दो, बट वो ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, तो ईगो को हम लोग ईगो के आवेश में आके वो नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो ईगो को कैसे सब्ड्यू करना? मुझे भी काफी साल लगे ये परिस्थिति में आने के लिए, लेकिन एक बात है,
माफ हमें उनके लिए नहीं करना है, माफ अपने लिए करना है। अगर ये सोचेंगे ना तो ईगो नहीं रहेगा, क्योंकि क्योंकि वो अंगारा रहता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ गरम कोयला रहता है ना, दूसरे पे मारने के लिए पहले हमें पकड़ना पड़ता है, तो उसको तो बाद में लगेगा लेकिन हाथ अभी मेरा जल रहा है। यदि मैं माफ नहीं करूंगा उसको तो बाद में होगा, लेकिन ये माफ ना करने के वजह मैं जो दुखी हो रहा हूं, मैं जो पीड़ित हो रहा हूं, मैं जो जल रहा हूं, मैं अपने लिए माफ कर रहा हूं। अगर ये सोचेंगे ना तो ईगो नहीं रहेंगे। हम क्या सोचते हैं, माफ करना बोले तो हम बहुत, हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है तब ईगो आता है, हमारे लिए करो तो ईगो नहीं रहेगा। आप बोल रहे थे, बूढ़ी व्यक्ति ने बोला कि वो जो ब्राह्मण मारता है उनको इधर जाना है क्या, तो she got 100% कर्मा। अगर इवन अगर वो सही में मारता था तो उसको तो भी 50% लगता था कर्मा, उसने नहीं मारा तो भी 100% लगता, तो anyway she is getting some of the other karma, तो what should have been her conduct? Just वो ब्राह्मणों ने क्या पूछा, राजा का महल कहाँ है? बराबर है ना, जितना बोला उतना उत्तर देना है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जी जैसे कि मान लो हम कोई नॉनवेज खाता है, तो नॉनवेज खाने टाइम पे जो वैदिक लाइफ में था कि अगर आप किसी को खा रहे हैं तो आप उनके कान में बोले मांस, मतलब आप अगले जन्म में मुझे खाना, तो अगर कर्म के वही देखेंगे तो वो अगर जो एनिमल फिर से आदमी को अगर मार के खाता है तो उसको वो कर्म लगता है, नहीं लगता है? लगता है ना, जो आपस ये इनको मारता है ये कर्म का सिद्धांत गुड़ है, मैं सिद्धांत में ही जा रहा हूं, वो अगर इन्होंने मारा है वो उनको फल लगेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है ना वो सिद्धांत अलग है। तो ये स्टॉप कैसे होगा, मतलब ये जो हमें वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि हम निमित्त ना बने। देखो निमित्त हमें नहीं बनना है, मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई गलती करता है यदि हम उसको दोष ठहराते हैं तो उसका प्रतिशत मुझे लगता है, नहीं बोलूंगा तो वो देख लेंगे उनका क्या है बाबा, वो और भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों निमित्त बनूं। 10 बूढ़े औरत ने अगर निंदा की है तो मैं 11वें क्यों बनूं, वो आपस में देख लेंगे। अब समझ रहे ना, तो हमें उनके गणित में नहीं जाना है, हमारा गणित देखना है। व्यापारी क्या करता है, तू तेरे मेरा कितना, वैसा करना है ना। हरे कृष्ण जी, जैसे ब्रह्मा हत्या का जो पाप है वो यमराज जी सोच रहे थे 1 साल तक, सो अगर राजा को कोई निंदा करता ही नहीं सो राजा को 100% लग जाता क्या वो चीजें? नहीं, वो भी उसका भी जीवन चलता आराम से। हाँ, लेकिन यमराज को मालूम था कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, वी सम टाइम means we sometimes try to avoid to find fault, but it sometimes naturally come out, means like by seeing only we think, so how to come out? वो देख के क्यों लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की नकारात्मक भावना हमारे हृदय में होने के वजह से जैसे ही वो व्यक्ति दिखता है वो नकारात्मकता आती है। यदि हम उसे जड़ से ही निकाल देंगे और फिर वो व्यक्ति को जाके मिलो, आलिंगन करोगे उस व्यक्ति को, हमारे हृदय से ही वो निकलती है नकारात्मकता, वहीं से हमें उसको सुलझाना है। So how to get rid of that? Means natural जो thing है वो कैसे? Means how? जो भी व्यक्ति के साथ तकलीफ है बैठो बात करो सुलझाओ, और जो भी नकारात्मकता है उसको क्लियर करो, मत रखो अपने हृदय में, ये यही हमें अपने आप को जला रहा है और वही नकारात्मकता हमें उसमें दिखती है। जिस व्यक्ति से तकलीफ हो रही है, जिससे मतभेद हुआ है, बात करके क्लियर करना है, खत्म करना है, मत रखो हृदय में। बात करने के लिए वापस ईगो आता है, छोड़ दो, वो पहले मुझे बोलेगा हमें तकलीफ हो रही है, भाई क्या है, बात करो खत्म करो, मत रखो। जितना ज्यादा देर रखोगे वो आग के गोले को उतना हाथ जलता जाएगा, और जितना जलने के बाद आप निकालोगे उसको तो उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। जितना जल्दी कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है।
आप अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन ले सकते हो जो आपके हैं, वो आपको वैयक्तिक उस आपको पर्सनल ये बता सकते हैं उस घटना के बारे में जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। और कुछ? या हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटल थिंग्स बिटवीन टू डिवोटीज, सो इज इट गुड टू कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम? मींस इज इट ऑफेंस दैट आप कितना भी डिस्टेंस रखो, क्या होता है, हम है कोसों दूर लेकिन वो बैठे हमारे हृदय में ही है, है ना? वो बार बार आ जाते हैं, वही जिस जो व्यक्ति नहीं चाहिए वही हमारे उसमें से खड़े हो जाते हैं। तो अगर वो नहीं होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो बार बार तकलीफ दे रहा है तो बात कर लो, नहीं है तो कोई वरिष्ठों का सहयोग लो कि भाई कृपया आप मीडिएट कीजिए और मुझे क्लियर करवाइए, लेकिन खत्म करो ये सब, मन शांत करना है, है ना, ये सब नहीं रखना है हृदय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हियर, या सो जैसे कि आपने कहा कि कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, राइट? सो खास करके अगर कोई मैनेजमेंट में लीडरशिप पोजीशन पे होता है और कुछ टिपिकली एक सेवा इंचार्ज होता है, सेवा अथॉरिटी होता है, तो ना उसको उस कई बार कंपेयर करना पड़ता है, किसको दू किसको नहीं दू, कौन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो गुड पॉइंट्स, गुड बैड दोनों थिंग्स अगर ऐसा आ जाता है मन में, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? मतभेद और मनभेद में यही फर्क है। मतभेद जो है सुलझाओ, खत्म करो। मनभेद यानी मन में अभी भी रखना। तो जो मैनेजमेंट में होते हैं वो मामले को सुलझा के खत्म कर देते हैं, मन में किसी के बारे में वैर भावना नहीं रखते। अगर कोई इंचार्ज है, आज कुछ गलती की डांट दिया, दो ही मिनट के बाद वो उससे प्रेम से बात करेगा क्योंकि मन में उसका कुछ नहीं है। लेकिन यदि हमारे मन में है तो जैसे उन्होंने बताया हम देख भी नहीं पाएंगे उनको, तो इससे हमें नापना है। कितने बजे तक? हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू फॉर वेरी नाइस क्लास। गुरु जी, वन क्लेरिफिकेशन इज देयर, लाइक वी हियर अ स्टोरी ना दैट बुचर एंड दैट ब्राह्मणा, सो द बुचर केम टू किल द काउ, सो देन ब्राह्मणा सेड दैट काउ हैज गॉन इन टू दिस डायरेक्शन, cow has gone into the right, means where the cow had gone he just let his hand go like in direction. So if that brahmana could have told that cow has gone in this direction, opposite direction, so then he could have saved the cow. Yes. So then no karma could have come. But here is spoken lie in one sense. So I mean to say there is a motivation also in the, like that old lady which were saying, if her motivation was to save all the brahmanas from getting killed from the king, so then she should not have got any karma, because there is a motivation also in the part of... Bilkul. मोटिवेशन के लिए पहले तो आपको वो चीज की परख करके लेनी है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं है, बताने से पहले। बूढ़ी औरत ने कुछ जार पड़चाल नहीं की, कुछ उसको चेकिंग नहीं किया कि भाई मैं, मेरी जो धारणा है वो सही है कि गलत है, फिर मैं बोलूँ ना। तो यदि उनको बोलना है तो उसका पृष्ठभूमि चेक करके फिर बताना है, नहीं मालूम है तो बोलना है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अपने मन से अनुमान करके कुछ बात करना वो गलत बात है। Some many times like devotees are saying, ना, many times we speak whatever we hear here and there, but we don't keep it in our mind, we just speak out. So I mean to say these are something which may not contain full reaction because there is not motivation involved here. तो फिर बोलना क्यों है किसी को? Because they want to know, so therefore the people speak. Surely it should not be spread like without knowing it. वो ऐसे ही spread हो जाता है, प्रभु जी। ऐसे ही स्प्रेड हो जाता है। मैं, मेरी योग्यता है नहीं इसके बारे में कुछ बोलने की, आई कैन नॉट कमेंट। देखो ये जो है किसी के जीवन का मामला है, अगर कोर्ट में भी केस है, किसी को फांसी चढ़ाया जाता है, लोग पूछते हैं आप बताइए, नहीं आई कैन नॉट कमेंट, इट्स इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसे आंसर देते लोग, बराबर है ना? तो किसी के जीवन का मामला है, मेरे कुछ बोलने से किसी का जीवन अगर ये हो सकता है, मैं क्यों कुछ कमेंट करूं उस पर? मेरा अधिकार ही नहीं है। जो अधिकारी व्यक्ति है जो न्याय लेगा उस घटना का, कौन दोषी नहीं है वो देखेंगे, वो न्याय लेंगे, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। और जो जानने भी आते हैं, आपका मोटिवेशन नहीं है, लेकिन उनका मोटिवेशन क्या है? ये प्रभु जी तो बहुत अच्छे, कुछ भी पूछो बोल देते किसी के भी बारे में, प्रभु जी बताइए ना। आपका मोटिवेशन सही है लेकिन सामने वाले का क्या है क्या मालूम आपको, बराबर है ना? ठीक है, तो जितना है उतना बोलना है। Thank you.
तो मैं इस देश राधे श्याम प्रभु जी का आभारी हूँ, इतने सालों के उनके प्रशिक्षण में जितना भक्ति की है, जितना मैंने प्रयास किया है, उन्होंने अनेक घंटों घंटे मुझे समय दिया है, मेरे भक्तिमय जीवन के उतार चढ़ाव जितने भी आए हैं उसमें वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और जो भी मैं आज हूँ उनके ही बदौलत मैं आज यहाँ पे कुछ दो शब्द बोल पा रहा हूँ, तो मैं उनका काफी आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। भरदराज प्रभुडे, वरदराज प्रभु आज द सेम क्वेश्चन इन द ब्रह्मचार्य क्लास अबाउट sometimes you hear about some devotee something and that just keeps lingering in the mind, so you know we tend to speak to others as if we are going to save others from that devotee. So what you answered was very precise and very sharply well understood answer for the question asked by Arjuneshwar Prabhu inka prashna ka jo jawab diya prabhu ne ekdam badhiya jawab diya unhone. Anek log bolenge agar x bhakti ke bare mein koi aakar mujhe poochte hain, मुझे एक्स के बारे में मैंने कुछ ऑफर सुना है, तो मैं सबको बोलूंगा कि ये एक्स भक्त जो हो गंदा है, ऐसा है वैसा है, आपको बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करके लोग बोलते हैं। और जैसे आपने सही बोला, ये एक्स के बारे में जो बात है, इज इट यस बॉक्स और नो बॉक्स और नॉट श्योर बॉक्स, अनेक बार क्या होता है नॉट श्योर, फिर भी हम उनको बचाने के मामले में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि इस तरह बोल बोलकर अनेक लोगों को उस एक्स के बारे में बोलकर वो लोगों का दृष्टिकोण जो है एक्स के संबंध में इतना खराब किया है, उसके कारण बड़ा अपराध मिलता है, अपराध का बोझ। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट दिस। अर्जुनेश्वर प्रभु का प्रश्न भी बहुत सुंदर प्रश्न है और इनका जवाब और भी सुंदर है जवाब। थैंक यू जगवाल प्रभु, हरी बोल। इतने बड़े गहरे विषय को इतने सरल भाषा में समझाया प्रभु जी ने, बहुत रोचक रूप में। प्रभु जी बड़े से सीनियर हैं, प्रभु जी बहुत सालों साल दुनिया के गतिविधियों को देखा है, कैसे दुनिया चल रहा है, अलॉन्ग विद द ब्लेंड ऑफ हिज स्पिरिचुअल नॉलेज विद प्रैक्टिकल यू नो वर्ल्डली विजडम कंबाइंड बोथ टुगेदर, ही इज गिविंग यू डाइजेस्टेड रियलाइजेशन। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल वॉइस स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन के कारण इधर आकर लॉकडाउन है अंदर। इनका बड़ा सौभाग्य है कि इतना अच्छा प्रवचन आज मिला। सो ही हैज गिवन यू ऑल वेरी गुड फूड फॉर थॉट, थिंक मोर अबाउट इट। And if they want to write to you, which email they can write? Can you just tell the email? If you have any questions, they can write to you. Can tell. jaigopal.rns@gmail.com. jaigopal.rns@gmail.com. So don't keep any questions to yourself. Or don't concoct anything. And ask him more if you want. Jaigopal Prabhu ki. उसके पहले आज रात को अंधेरे में बैठना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।